हे टेक लवर्स, आपका स्वागत है मोबाइल फंडा के एक और नए ट्रिप्स एंड ट्रिक्स एपिसोड में, जिसमें आज का फंडा है कि कैसे इस न्यू HyperOS 2.0 कंट्रोल सेंटर को अपने Redmi Note 13 Pro 5G या फिर Poco X6 5G पे इंस्टॉल करें। तो अगर आप भी इन दोनों में से कोई एक डिवाइस यूज कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके कंट्रोल सेंटर को पूरी तरह बदलने वाला है। साथ में इसे इंस्टॉल करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी जानेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। वहीं चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपसे हमारी आने वाली वीडियोस मिस ना हो। वैसे दोस्तों, अगर आप एक नए HyperOS 2.0 कस्टमाइज थीम ट्राई करना चाहते हैं तो ऊपर कार्ड पे एक वीडियो मिलेगी, उसे चेकआउट करें। मुझे उम्मीद है कि वो आपको वो ज़रूर पसंद आएगी। अब बात करते हैं इस न्यू कंट्रोल सेंटर की, जो कि बेसिकली एक थीम है, तो वो हमें कुछ इस लेआउट में देखने को मिलेगा, जहाँ पे आइकन्स हमें वाइट बैकग्राउंड विथ कलर टेक्स्ट देखने को मिलेंगे, सीवाई, टॉर्च, बैटरी सेवर और रीडिंग मोड। वहीं इस कंट्रोल सेंटर के एनिमेशन की बात करें तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे कोई भी एनिमेशन देखने को नहीं मिलेगी, बट सबसे अच्छी बात कि इसके आइकन्स में एनिमेशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमें स्टॉक थीम में देखने को मिलते हैं। वैसे इस थीम में जो स्टेटस बार है वो हमें काफी क्लीन देखने को मिलेगा, बट हाँ, अगर इसके साइज और थोड़े बड़े होते तो ये और भी बेटर लगता। वहीं बात करें वॉल्यूम कंट्रोल लेआउट की, तो वो हमें कुछ इस स्टाइल में देखने को मिलेगा, जहाँ पे आइकन्स हमें ब्लू प्लस रेड कलर में देखने को मिलते हैं। तो अब फंडा ये है कि इसे कैसे अपने फोन पे इंस्टॉल किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन के थीम स्टोर के वर्जन को चेक करना है, जैसे कि मेरा है 2.3.7.16 ग्लोबल और इसी वर्जन में ये अच्छे से काम कर रहा है। हालांकि इसके ऊपर या फिर नीचे वाले वर्जन पे मैंने अपने नोट 13 प्रो 5G पे इंस्टॉल किया था तो ये कंट्रोल सेंटर अप्लाई नहीं हुआ, हालांकि स्टेटस बार अप्लाई होता था। तो आप अपने डिवाइस पे चेक करना कि ये किस वर्जन पे अच्छे से काम कर रहा है। वहीं इस कंट्रोल सेंटर को इंस्टॉल करने के लिए आपको नीचे कमेंट्स में इस थीम की लिंक मिलेगी, जिसे क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। फिर उसके बाद आपको अपने फोन के थीम स्टोर पर जाना है, फिर माय अकाउंट, फिर कस्टमाइज थीम और फिर स्टेटस बार, फिर ये थीम ड्रीमक्राफ्ट V11 को अप्लाई कर देना है, जिससे कि ये नया कंट्रोल सेंटर अप्लाई हो जाएगा। वैसे इस थीम के जो आइकन्स हैं वो भी अच्छे हैं, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। बाय द वे, आप फिलहाल कौन सा कंट्रोल सेंटर यूज कर रहे हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो फिर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इसी तरह के टेक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।